अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शायन एंड यू आर वाचिंग शायन व्लॉगिंग 99। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं कराची से लाहौर, और जो 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है वो इस वक्त मौजूद है कराची कैंट स्टेशन पे। ये आप देख सकते हैं, साथ साथ भाई भी हमें छोड़ने के लिए आए हैं। भाई शरियार भाई क्या कहना चाहते हैं ग्रीन लाइन के हवाले से? इकोनॉमी क्लास है सबसे पहले तो, और अंदर के माहौल वगैरह इन्होंने बरकरार रखा है, यानी क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैं तो मतलब सबसे पहले तो ये देख के हमारा मतलब कि एक तरह से हैरान ही होगा कि इकोनॉमिक क्लास में जो साफ़ सुथराई का निज़ाम भेजा है ना, बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा एक ये बिल्कुल फर्निश डब्बा है, सारे जो डब्बे लगे हुए ना बिल्कुल फर्निश है माशाल्लाह। डिस्पेंसर के लिए बोतलें जो इन्होंने पहले गाड़ी पर पहले वाटर इंतजाम अच्छा किए हुए मतलब के, और जिस रेट पर ये लोग लेके जा रहे हैं मेरा ख्याल है 4000 कितने 4400 और अभी 4400 4400 और उसमें फिर खाना भी है और फिर सुबह का नाश्ता भी है तो फिर चाय भी है। मेरा ख्याल इतनी अच्छी सहूलत है ग्रीन लाइन की पे, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है अमाउंट के हिसाब से, तो फर्स्ट क्लास है। और पाकिस्तान रेलवे को इस मामले में तो कम से कम इंसान हमें तो सराहना चाहिए। देखा है हमें जो है वो चीज़ अच्छी मिलती है, फैसिलिटीज हमें अवेल करना है, ना कि हम इसको ख़राब करें ना कि हम इसमें पिप फेंकें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो लोकोमोटिव कौन सा लगा हुआ है आपको वो भी दिखाते हैं, ये अभी अभी अंदर से भी आपको दिखाएंगे पूरा कोच। अभी इस वक्त लगा हुआ है तकरीबन 9 बज गए हैं और गाड़ी निकलने का टाइम है 10 बजे, तो लोकोमोटिव कौन सा लगा हुआ है चलो लोकोमोटिव भी दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम लोग मौजूद है ग्रीन लाइन की इकोनॉमी क्लास में, और इस वक्त जो है वो बर्थ जो हमारी है वो आप दिखा सकते हैं, 3 बर्थ हैं। अभी जो पुरानी वाली जो बर्थ होती थी वो ज़्यादा डार्क ग्रीन होती थी, इसका जो है ना आप चेक करें ये ज़बरदस्त तरीके से लगाया गया। बाकी मैं इसको बैठता हूँ आपको फिर कंफर्ट लेवल का बताता हूँ। ये चेक करें, ये कम्फर्ट जो है इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा कम्फर्ट है। कम्फर्ट के अलावा मैं लेट के भी आपको दिखाता हूँ कि इसका कम्फर्ट कैसा है, रात में कैसे किस तरीके से होगा। तो भाई ये जो है ना बहुत ही अच्छा कम्फर्ट है, पर्सनली जो है ना मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कराक्रम के एक्सप्रेस की टिकट करवाते हैं, 5 दिन की टिकट करवाते हैं, मगर आप जो है ना 300-400-500 रुपये मिलाए और ग्रीन लाइन पर है। ये पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम ट्रेन है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन आप कह सकते हैं ग्रीन लाइन को, क्योंकि हम जो पहले भी अभी AC पॉलर को विजिट करके आ रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त था। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, जिस तरीके से उन्होंने मेंटेन करा हुआ है, और हम पाकिस्तानी आवाम से भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है ना अपने मेंटेन करके रखो, आपको फैसिलिटीज मिल गई है इसका मतलब ये नहीं है आप यहाँ पे पान फूक दो, बबल खा के फेंक दो, तो छाले का पिन फेंक दो, तो ये आप लोग की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया, मैं आपको ये भूल गया था बताना, ये 2 चार्जिंग पोर्ट दिया गया, आप USB भी लगा सकते हैं अपने यहाँ पे और डायरेक्ट चार्जर भी लगा सकते हैं। 2 चार्जर ये, 2 चार्जर और 2 USB पोर्ट, मतलब कि 2, 4, 8 ये हो गए और 4, 4, 8 मतलब टोटल आप 16 चार्जिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है। डस्टबिन का ही प्रॉपर निज़ाम दिया हुआ, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि डस्टबिन को हमने डस्टबिन में फेंकना है या यहीं पे नीचे फेंकना है। बाकी जो है पानी का तो हमने ले लिया मिनरल वाटर नेस्ले का, हम लोग बाइकआउट नहीं कर सके, आई एम रियली सॉरी, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो गाइस ये जो ग्रीन लाइन का इकोनॉमी क्लास का वॉशरूम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये चेक करें आप वॉशरूम, यहाँ पे एक बेसन दिया गया है, ये शीशा चेक करें आप, ये प्रॉपर देखिए शीशा, ये साबुन दिया गया है, ये WC है, यहाँ पे एक विंडो, ये लाइट है ऊपर, और ये डोर आप चेक करें, न्यू कोची जो चाइना से इम्पोर्ट की गई है, इसका वॉशरूम साफ सुथरा वॉशरूम है, फ्लश भी दिया गया है, ये पानी है, पानी है मुड़ गया तक भीतर, पानी वानी आ रहा है, ठीक है भाई, अच्छा वॉशरूम है। एक इसी तरीके का वो कैबिनेट सिस्टम है, वो भी आप कर सकते हैं यूज, तो WC भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। टाइम लगेगा
अरे यार ये कौन है तुम्हारा अंडा पराठा ठंडा हो गया अंडा बिल्कुल खानपुर आ गया सर पंजाब का शहर खानपुर जो है ना बावलपुर स्टेशन आ गया है और यहाँ पे 5 मिनट का स्टे है हम लोगों का, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे नेक्स्ट स्टेशन खानेवाल जंक्शन। तो खानेवाल जंक्शन तकरीबन यहाँ से 1.5-2 घंटे में पहुँचेगा, देखो कब तक पहुँचता। फिलहाल ये 9 एक्सप्रेस रुकी हुई है यहाँ पे, सब उतर रहे बावलपुर से, अभी चल जाएगी 3 घंटे के बाद, सब बंदे खड़े हैं। इस वक्त जो है फाइनली जो है वो भावलपुर से निकल गए हम लोग, ये व्यू चेक करें हम भावलपुर से, ये बच्चे कुछ आ रहे हैं, ब्रेक सोन एंजॉय करो आप साथ साथ। ये साउंड मिल गया फाइनली, ये ट्रैक साउंड करो आप साथ बताइए। ये साथ जो है बेसिकली ये पोइस आई है या पालक है ये बता रहे हैं मुझे, मेरे ख्याल में तो आई थिंक पालक है, भावलपुर के स्पेशल मीठे पानी के साथ जिसके बनाने के बाद खाना भी मीठा हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इस वक्त हम लोग अब खाने वाले का नेक्स्ट जंक्शन लगना है, तकरीबन 1.5 घंटे में खाने वाले पहुँच जाएंगे इन शाला, बाकी इंजॉय करो आप लोग साथ साथ। वगैरह प्रॉपर तरीके से होटल
रायते रगड़े भाई। और मेन्यू क्या है अभी आपके सामने अभी पेश कर रही हैं ये मेन्यू। ये आइए लंच हमारा इन्हीं लाइन में, इकोनॉमी क्लास का लंच मिल गया हम लोगों को। देखते हैं लंच में है क्या क्या प्रोवाइड किया इन लोगों ने, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वीडियो में। लंच आ गया है फाइनली लंच, ये देखें रायते प्लस लंच। अब लंच के अंदर क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको, खोलो बोलो ज़रा दिखा। इसमें जो है वो दाल दिया गया है, वो चिकन का सालन है, एक गुलाब जामुन है और टिश्यू दिया हुआ है रॉयल स्विस वालों की जानिब से, और साथ साथ इसमें दो नान। बाकी इसका टेस्ट आपको बताते हैं पर्सनली, खुशबू तो अच्छी आ रही है, बाकी खाते हैं जायका आप लोगों को बताते हैं साथ साथ। मिल गया तकरीबन, खोलते हैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको जायका बताते हैं। दाल है, चिकन कढ़ाई और गुलाब जामुन, इसको बड़ी अच्छी आ रही है, खाते हो आप लोगों का टेस्ट बताते हैं। ये नान के दो तीन पीसेस नान के दिए हैं, गरम नान है भाई, ये रायता भी है भाई, रायता रायता खोल के भी दिखा देते हैं आप लोग, ये चेक करें। वाह वाह वाह, अभी इसको टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं नान कैसा है, चिकन का सालन कैसा है सबसे पहले। बिस्मिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा चिकन का, इन में ऐसा खाना मिल जाए तो बहुत खुशी होती है यार। अब दाल खाता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। दाल भी बहुत अच्छा, टोटल बहुत ही अच्छा लगा। रायता देख, रायता थोड़ा सा पी के देखते मज़ा आएगा, तो रायता भी अच्छा है। जमजम बच गया है वो तो आपको पता नॉर्मली होगा रहेगा, बाकी ऑल ऑल एक्सपीरियंस बड़ी काफ़ी अच्छा था मेरा इकोनॉमी क्लास में, इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा खाने मिल जाए इकोनॉमी क्लास में, दाल प्लस चिकन का सालन, तो क्या चाहिए।
गाइस फाइनली जो है लाहौर के तकरीबन पहुंच गए स्टेशन में, लाहौर जंक्शन में पहुंचने वाले हैं तकरीबन ना। तो दिखाते हैं आपको साथ से चलो। पहुंच गए लाहौर में। स्टेशन आ गया
हाँ ना नहीं जा तो गाइस फाइनली जो है वो हम लोग लाहौर रेलवे जंक्शन पहुंच चुके हैं। तो ये वीडियो सिर्फ यहीं तक की है क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर बहुत आगे है हमारा, तो हमें यहीं उतरना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक का अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।